हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम हमारी नई सीरीज एनटीए मॉक टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज का दूसरा सेशन लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनएलएम और फिक्शन के क्वेश्चंस जो एनटीए ने अपने अभ्यास ऐप पे डाल रखे हैं। तो इससे पिछले वाले सेशन में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन चैप्टर के क्वेश्चन जो एनटीए ने अपने अभ्यास ऐप पे डाल रखे हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या बोल रहा है कि एक आपको सिस्टम दिया गया है जिसके अंदर ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी है, ठीक है। तो ये जो बोल है ये है आपकी फ्रिक्शन लेस, यानी कि इसका म्यू जो है वो जीरो है, लेकिन ये जो सरफेस दे रखी है ये आपको रफ दे रखी है, यानी कि इसका कुछ ना कुछ म्यू आएगा। फिर कह रहा है कि जो बी पे जो फ्रिक्शन लगेगा ए की वजह से वो कितना होगा इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में। तो सबसे पहले देखते हैं क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा या नहीं रहेगा। अगर इक्विलिब्रियम ही नहीं है फिर कोई बात ही नहीं होती फ्रिक्शन की ए से बी पे लगाने वाली। तो सबसे पहले हम इसको सिस्टम मान लेते हैं। अगर मैं इस सिस्टम पे टोटल फोर्स देखूं तो इस सिस्टम पे जो वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, किसका वेट ए का वेट एम ए जी। इसी तरह लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, किसका वेट बी का वेट एम बी जी, ठीक है। अगर इसको इक्विलिब्रियम में रहना है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में रहना है तो ये वाई डायरेक्शन के अंदर लगने वाला फोर्स की वैल्यू हो जानी चाहिए जीरो। तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई फोर्स ऊपर लगना चाहिए। तो इस पूरे सिस्टम में अगर मैं बात करूं तो पूरा सिस्टम किससे टच में है, इस वॉल से टच में है, लेकिन इस वॉल का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो जीरो है, यानी कि इसमें ऊपर की तरफ जो फोर्स लगने वाला होगा फ्रिक्शन फोर्स, उसकी वैल्यू आएगी जीरो। यानी कि इस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए वाई डायरेक्शन में जो फोर्स है उनकी वैल्यू बराबर नहीं है, वाई डायरेक्शन में वैल्यू बराबर नहीं है। यानी कि ये सिस्टम जो है, जिस सिस्टम की बात हो रही है क्वेश्चन के अंदर, जिस सिस्टम में ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी दोनों आ रहे हैं, वो सिस्टम कभी इक्विलिब्रियम में ही नहीं रहेगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, द सिस्टम कैन नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ब्लॉक है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा हुआ है, एक आपका ब्लॉक है जो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा हुआ है, इसका मास दे रखा है आपको m। फिर हमने क्या किया, इसको एक स्ट्रिंग से बांध दिया जिसका मास दे रखा है आपको m बाई थ्री। फिर इसके ऊपर हम एक फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वैल्यू है f, ठीक है, जिसकी वैल्यू है f। आपको क्या करना है, इस स्ट्रिंग के मिडल में यहाँ पे आपको टेंशन फाइंड करना है, ठीक। तो इस सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अगर आपको स्ट्रिंग का मास दे दिया तो इसके हर एक पॉइंट पे जो टेंशन की वैल्यू होगी वो अलग होगी, हर एक पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू अलग होने वाली है। स्ट्रिंग मासलेस नहीं है, अगर स्ट्रिंग मासलेस होती तो अपन टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम मान सकते थे। अभी क्या होगा, अभी मान लेते हैं कि पूरे सिस्टम का, कौन सा सिस्टम हमारा, जो जिस सिस्टम के अंदर एक ब्लॉक और दूसरा ये स्ट्रिंग एम बाई थ्री मास, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन की वैल्यू एफ ओवर टोटल मास एम प्लस एम बाई थ्री, यानी कि 3F by 4M, ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन। अब निकालना है जो रोप है हमारी, इसके मिडल पॉइंट पे यहाँ पे टेंशन की वैल्यू निकालनी है। मान लेते हैं कि यहाँ पे टेंशन की वैल्यू कितनी है, T है। अगर मैं इसको सिस्टम मान लू अब, ठीक है, अगर मैं इसको सिस्टम मान लू इतने से को, जिसके अंदर क्या क्या आ गया, मेरा पीछे वाला ब्लॉक आ गया और ये जो स्ट्रिंग है इसका हाफ पार्ट आ गया। अगर मैं इसको सिस्टम मान लू तो इस सिस्टम का मास कितना हो जाएगा, एम प्लस अब उसका हाफ पार्ट यानी कि एम बाय सिक्स। अब इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ टी फोर्स लग रहा है, टेंशन, यानी कि जो वो टेंशन जो अपने को रिक्वायर्ड है, जो मिडल में लग रहा है वो टेंशन यहाँ पे लग रहा है, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो तो ए ही होगा। अब अगर यहाँ पे अपन न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से इक्वेशन लिखे तो क्या होगी, टी इज इक्वल टू एम ए, यानी कि एम प्लस एम बाय सिक्स इंटू ए। टी कितना आ जाएगा, सेवन एम बाई सिक्स, अगर ए की वैल्यू वहां से पुट करेंगे तो कितनी है, थ्री एफ बाई फोर एम, ये टू टाइम्स कट गया, आंसर आ गया हमारा सेवन एफ बाई फोर इंटू टू, यानी कि टी इज इक्वल टू सेवन एफ बाई एट, हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का भी, ओके। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, एक गन से हम लोगों ने बुलेट को फायर किया तो वो उस पर फोर्स लगा रही है, एफ इज इक्वल टू
600 माइनस 2 इंटू 10 की पावर 4 इंटू टी, यानी कि जो ये फोर्स है अगर आप इसको ध्यान से देखो तो टाइम के साथ साथ इस फोर्स की वैल्यू कम हो रही है। फिर कह रहा है कि जैसे ही जो बुलेट है वो पूरी की पूरी गन से बाहर निकल जाती है तो जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो हम लोगों को फाइंड करना है कि जो हमारी जो बुलेट है उसके ऊपर टोटल एवरेज कितना इम्पल्स इम्पार्ट हुआ, कितना इम्पल्स लगा उसके ऊपर। तो जब सबसे पहले तो वो टाइम निकाल लेते हैं जब फोर्स लगना बंद हो जाता है। सबसे पहले तो फोर्स लगना स्टार्ट हो रहा है टी इक्वल्स टू जीरो पे, टी इक्वल्स टू जीरो पे फोर्स लगना स्टार्ट हो रहा है। फिर फोर्स की वैल्यू जीरो कब हो रही है, फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी आपकी 600 माइनस 2 इंटू 10 की पावर टी, ये जीरो हो जाएगा तब फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर आप यहाँ से टी की वैल्यू निकालने जाएंगे तो हमने को मिलेगा 2 इंटू 10 की पावर 5 यानी कि 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड। तो इस टाइम पे जो हमारा फोर्स लगना होगा उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर आप हम लोगों को निकालना है इम्पल्स, तो इम्पल्स क्या होता है, एफ डी टी और वो टाइम इंटरवल जहां से जहां तक फोर्स लग रहा है। तो टाइम इंटरवल यानी कि टी इक्वल टू जीरो से फोर्स लगना स्टार्ट हुआ और कहां तक लग रहा है, टी इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 तक फोर्स लग रहा है। तो इंपल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके अंदर, एफ की वैल्यू दे रखी है आपको 600 माइनस 2 इंटू 10 की पावर 5 टी 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 0 टू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 600 टी माइनस 10 की पावर 5 टी स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, 0 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3। जब इसको सोल्व करने जाएंगे तो ये आएगा आपका 18 इंटू 10 की पावर माइनस 1 माइनस ये आएगा आपका 9 इंटू 10 की पावर माइनस 1। तो हमारा ये आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर माइनस 1 यानी कि 0.9 0.9 न्यूटन इंटू सेकेंड। तो इंपल्स की वैल्यू आ जाएगी 0.9 न्यूटन इंटू सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो बोल है, एक का मास है m1 दूसरे का मास है m2, जिसमें m1 वाली का मास ज्यादा m2 से। उन लोगों को हमने क्या किया, एक थिन वेटलेस थ्रेड से उन लोगों को बांध दिया, फिर उसको एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप कर दिया। फिर कह रहा है कि उन जो दोनों मास है उसके ऊपर बोयंसी भी लग रही है एयर की वजह से। ठीक है चलो, अब कह रहा है कि टेंशन टी इन द थ्रेड ड्यूरिंग द फ्लाइट आफ्टर मोशन ऑफ बोल बिकम यूनिफॉर्म, यानी कि जो बोल है उसका मोशन जब यूनिफॉर्म बन जाएगा यानी कि जब उस पर टोटल एक्सेलरेशन जीरो, जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाएगा, उस टाइम पे जो हमारी थ्रेड है उसके अंदर टेंशन कितना आएगा। तो सबसे पहले तो डायग्राम बनाते क्या होगा उस कंडीशन में, ऐसा कुछ होगा। अब m2 की वैल्यू ज्यादा है तो m1 नीचे आएगा, सॉरी m1 की वैल्यू ज्यादा है तो m1 नीचे आएगा और m2 ऊपर आएगा। तो इस रस्सी जो ये हमारी स्ट्रिंग है इसके अंदर कुछ ना कुछ टेंशन लगेगा, तो इसी टेंशन की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। अब कौन कौन से फोर्स लगेंगे इसके ऊपर, एक फोर्स लगेगा आपका m1g, यहाँ से कौन सा फोर्स लगेगा m2g और बोयंसी फोर्स लगेगा। अब जो बोयंसी फोर्स है वो दोनों पे बराबर लगेगा क्योंकि जो बोयंसी फोर्स डिपेंड करता है वो साइज पे डिपेंड करता है। अब दोनों का साइज आपको सेम दिया गया है, देखो ध्यान से देखो, सेम साइज। तो दोनों पे जो बोयंसी फोर्स लगने वाला है एफ भी वो सेम ही लगने वाला है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली जो कंडीशन है वो कब कंडीशन है, जब इसका एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है यानी कि टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। तो टोटल अपवर्ड फोर्स कितना है एफ पी 2 टाइम्स और टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है m1 प्लस m2 जी, यानी कि एफ पी कितना आ गया हमारे पास, बोयंसी फोर्स m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी। इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं इसको, ये हमारे पास आ गया बोयंसी फोर्स। अब अगर हम लोगों को टी फाइंड करना है तो मैं एफ बी डी कंसिडर करने जा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ m1 का। अगर आप m1 का एफ बी डी कंसिडर करोगे तो आपको दिखेगा कि इस पे फोर्स लग रहा है m1g डाउनवर्ड और ऊपर वाले डायरेक्शन में लग रहा है इसके ऊपर फोर्स टी, साथ ही साथ एक फोर्स और लग रहा है, कौन सा एफ बी। तो अगर आप यहाँ से टी निकालने जाओगे तो टी प्लस एफ बी इज इक्वल टू m1g लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं, कौन सी कंडीशन आ गई है
यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन आ गई है, तो टी कितना आ जाएगा, एम वन जी माइनस का एफ बी बोयंसी फोर्स, अब एम वन जी माइनस एफ बी, एफ बी हम लोगों ने निकाल रखा है एम वन प्लस एम टू बाई टू इंटू में जी। जब इसको सोल्व करेंगे हम लोगों को टेंशन की वैल्यू मिलेगी एम वन माइनस एम टू बाई टू इंटू जी। कौन सा ऑप्शन बेस कर रहे हैं हमारा, एम वन माइनस एम टू इंटू जी बाई टू, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक डायनामोमीटर है जो फोर्स को मेजर करता है, ठीक है, फिर कह रहा है कि इसको हम लोगों ने अटैच कर दिया दो ब्लॉक से जिसका मास दे रखा है एक का 6 kg दूसरे का 4 kg, ठीक है, फिर इन पे क्या लगा दिए फोर्स लगा दिए, एक पे 20 न्यूटन दूसरे का 10 न्यूटन जैसा कि हम लोगों को फिगर में दिया गया है वैसे। फिर हमको बताना है कि रीडिंग ऑफ डायनामोमीटर, इसकी डायनामोमीटर की रीडिंग बतानी है, तो मान लेते हैं कि इसकी रीडिंग कितनी हो जाएगी, इसमें जो टेंशन आएगा वही इसकी रीडिंग हो जाएगी, हाँ या ना, इसके अंदर जो टेंशन आएगा क्या वही डायनामोमीटर की रीडिंग होगी, तो इसके अंदर जो टेंशन आएगा वही डायनामोमीटर की रीडिंग होगी। अब डायनामोमीटर का मास वगैरह कुछ नहीं दे रखा है, तो अगर मैं इस पूरे को सिस्टम मान लूं, अगर मैं इस पूरे को सिस्टम मान लूं, तो क्या ये पूरा का पूरा सिस्टम एक कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करता रहेगा, पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करता रहेगा, तो इस पूरे सिस्टम पे अगर मैं नेट फोर्स देखूं तो नेट फोर्स की वैल्यू है 10, नेट फोर्स की वैल्यू है 10, और जो इस पूरे सिस्टम का मास है टोटल मास, अगर मैं इसको एम टी लिखूं तो टोटल मास है आपका 10 kg, 10 kg, तो अगर मैं एक्सेलरेशन निकालने जाऊंगा सिस्टम का तो कितना आएगा 10/10 यानी कि 1 m/s², 1 m/s². अब मैं सिर्फ कंसिडर करने जा रहा हूँ एमपीडी ऑफ, एफबीडी ऑफ 6 kg ब्लॉक, एफबीडी ऑफ 6 kg ब्लॉक क्या हो जाएगा, इधर से 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इधर से टी, और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आ जाएगा क्योंकि जो हमारा जो फोर्स है 20 न्यूटन वो ज्यादा है, तो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा पूरे सिस्टम का, तो इसका भी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आ जाएगा कितना, ए की वैल्यू 1। तो अगर मैं फिर से इक्वेशन लिखना चाहूंगा न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से, तो क्या आएगी 20 - t इज इक्वल टू एम ए, एम ए कितना है 6, यानी कि 6 × 1, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 - 6, टी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 14 न्यूटन। तो जितनी ये टी की वैल्यू आई है यही आपका ये जो डायनेमोमीटर है इसकी रीडिंग होगी, हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हम लोगों को, बोल रखा है कि एक ब्लॉक दे रखा है आपको जिसका मास है 15 kg, इसको हम लोगों ने एक रफ इंक्लाइन प्लेन पर रख दिया जिसका एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री, फिर दे रखा है कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू 0.5, ठीक है, म्यू की वैल्यू दे दी आपको 0.5। अब इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक पी दूसरा 5 न्यूटन का, कह रहा है कि पी की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये जो ब्लॉक है वो इसके ऊपर स्लिप ना करे, जो ये ब्लॉक है वो स्लिप ना करे, तो इस पे फोर्स लगेगा एम जी नीचे की तरफ में, वो फोर्स इधर आ जाएगा एक फोर्स का कंपोनेंट, अगर ये 30 है तो ये भी कितना रहेगा 30, इधर कितना आ जाएगा एम जी कोस 30 डिग्री, ठीक है, और इस तरीके से में फोर्स आ जाएगा एम जी साइन 30 डिग्री, एम जी साइन 30 डिग्री। अब पी की वैल्यू मिनिमम पूछ रहा है, पी की वैल्यू मिनिमम पूछ रहा है, इसका मतलब फोर्स इसको सपोर्ट कर रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स, तो इसके इस डायरेक्शन में आ जाएगा फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू कितनी एम जी कोस 30, एम जी कोस 30 डिग्री, तो पी की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि ये स्लिप ना करे, तो ये स्लिप ना करे इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, तो अगर मैं इस प्लेन के अलोंग इक्विलिब्रियम देखूं तो क्या इक्वेशन बनेगी 5 + mg sin 30 शुड बी इक्वल टू F plus mu mg cos 30, फाइव एम की वैल्यू दे रखी है आपको 15, जी लेना है अपने को 10, तो ये 150 sin 30 होता है 1/2, पी की वैल्यू प्लस म्यू की वैल्यू दे रखी है 1/2 इंटू फिर से 150 इंटू √3/2, तो ये कितना बन गया इधर 80 बन गया, 80 - 150 इंटू 1.7/4 इज इक्वल टू पी, यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए हमारे पास, पी की वैल्यू आनी चाहिए 80 - 150 इंटू 10.425, 0.425, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर आएगा 16.25, हमारे न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था जिसका आंसर हो गया 16.25। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि अ फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक ऑफ √3 kg,
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया आपको 1/√3 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच द ब्लॉक डज नॉट मूव। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ फाइंड करनी है जिसकी वजह से ये ब्लॉक मूव ना करे, तो इसका क्या बनाना पड़ेगा, एफबीडी बनाना पड़ेगा। इसमें कौन कौन से फोर्स लगेंगे, इसका खुद का वेट नीचे की तरफ √3g, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इतना, इसका जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आने वाला है ये 60, तो ये भी 60, कितना कंपोनेंट आएगा एफ कोस 60, तो पीछे और ऊपर क्या आएगा नॉर्मल आएगा, साथ ही साथ इसका एक कंपोनेंट आएगा एफ का नीचे की डायरेक्शन में कितना एफ साइन 60, और इस डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, उसको कितना आएगा म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। अब ये जो अगर हमको जो ब्लॉक है इसको मूव नहीं कराना है, इसका मतलब ब्लॉक को मूव नहीं कराना, इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए एफ कोस 60 से, एफ कोस 60 से, यानी कि म्यू एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए एफ कोस 60 से, ठीक है। तो एन की वैल्यू कितनी है, अब ये ब्लॉक ना तो ऊपर जा सकता है ना ही नीचे जा सकता है, तो एन की वैल्यू हो जाएगी आपका √3 × 3, यानी कि √3 × 10 प्लस एफ, एफ की वैल्यू दे रखी है आपको, एफ की वैल्यू नहीं दे रखी है, एफ की वैल्यू निकालनी है, एफ इंटू कोस 60, कोस 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, एफ इंटू साइन 60, तो आपको दे रखा है एफ इंटू साइन 60, साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी एफ इंटू √3/2, ठीक है। तो ये हमारी एन की वैल्यू आ गई, या इसका मतलब क्या, म्यू की वैल्यू 1/√2√3 इंटू एन हमारा आ गया √3 × 10 प्लस एफ √3/2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ कोस 60, एफ कोस 60 यानी कि एफ बाई टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मिलेगा 5 प्लस एफ by 4 should be greater than equals to f by 2, so means f minus ka f by 4, yani ki f by 4 should be less than equals to 5, yani ki f should be less than equals to 20, yani ki f ki value jo ho sakti hai maximum wo kitni ho sakti hai 20, agar 20 se aapne zyada f ki value kar di 20 newton se zyada to ye jo block hai wo move kar jayega, to hamara is question ka answer ho jayega 20 newton, okay। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक ब्लॉक दे रखा है जिसका मास दे रखा है आपको 200 kg, कह रहा है कि बीइंग पुल्ड बाय सम मैन, कुछ आदमी इसको क्या करते हैं खींचते हैं, और आपको जो इंक्लाइन प्लेन के साथ एंगल दे दिया वो दे दिया आपका 45 डिग्री, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू दे दी आपको 1/2 एज शोन इन द फिगर। अब कह रहा है कि हर एक आदमी अगर मिनिमम मैक्सिमम 500 न्यूटन का फोर्स लगा सकता है तो मिनिमम नंबर बताओ कि कितने आदमी चाहिए इसको जस्ट स्लाइड कराने के लिए, तो सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, इसका फोर्स देखना पड़ेगा कि टोटल फोर्स चाहिए कितना इसको स्लाइड कराने के लिए, तो उसके बाद पता लगाएंगे कितने आदमी चाहिए, इसका एफबीडी बनाना पड़ेगा। इसका एफबीडी बनाओगे तो एम जी आएगा नीचे की तरफ, इधर फोर्स आएगा इसका कितना एम जी कोस 45, और इधर लगेगा आपका एम जी साइन 45, साथ ही साथ फ्रिक्शन फोर्स कितना म्यू एन के इक्वल, यानी कि अगर इसको ऊपर खींचना है तो एफ फोर्स लगाना पड़ेगा, ये एफ भी इधर होगा, तो एफ की वैल्यू यानी कि मिनिमम जो फोर्स चाहिए हम लोगों को वो कितना चाहिए एम जी साइन 45 प्लस म्यू एन, यानी कि जो जो ये एन है इधर आएगा, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी एम जी कोस 45, यानी कि म्यू एम जी कोस 45, तो मिनिमम इतना फोर्स चाहिए, तो कितना फोर्स हो जाएगा एम जी, एम की वैल्यू दे रखिए 200, तो 2000 × 1/√2 प्लस म्यू की वैल्यू दे रखिए 1/2, फिर से 2000 × 1/√2 यानी कि 3000 by root 2, इतना फोर्स लगाना पड़ेगा हम लोगों को, इतना फोर्स मिनिमम लगाना पड़ेगा। लेकिन एक आदमी कितना फोर्स लगा सकता है, एक आदमी लगा सकता है 500 न्यूटन के बराबर फोर्स, और ये फोर्स कितना आएगा इसको अपन अप्रोक्सीमेटली सोल्व करें, ये आएगा 3000 / 1.4, तो ये बन जाएगा आपका 1500 / 0.7, तो अप्रोक्स ये चला जाएगा आपका 2000 समथिंग चला जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इतना फोर्स चाहिए
2000 समथिंग फोर्स चाहिए इसको, ठीक है, 2000 समथिंग फोर्स चाहिए। तो एक आदमी अगर 500 न्यूटन का फोर्स लगा सकता है, तो इतना फोर्स लगाने के लिए हम लोग को कितने आदमी चाहिए होंगे, बाय 500, यानी कि ये आंसर आ जाएगा हमारा 4 समथिंग, यानी कि 4.1 समथिंग। तो 4.1 तो पॉसिबल ही नहीं है, मिनिमम कितने आदमी चाहिएंगे आप लोगों को, मिनिमम 5, मिनिमम 5 चाहिएंगे, क्योंकि 4 चाहिएंगे तो खींच ही नहीं पाएंगे उसको, 4 से ज्यादा आ रही है वैल्यू, मिनिमम आपको 5 चाहिएंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका 5, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बेस ए एंड बेस बी, आपको दे दिया कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। अब आपको पूछ रहा है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए का कितना मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन रख सकते हैं ताकि बी इसके ऊपर स्लिप ना करे, ठीक है, बी इसके ऊपर स्लिप ना करे। इस क्वेश्चन को हम करते हैं ए के ऊपर बैठ के, चलिए ए के ऊपर बैठ गए, तो ए के ऊपर जैसे ही बैठ गए हम लोग, तो हम कैसे फ्रेम के अंदर आ गए, नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर आ गए। और जैसे ही नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर आ जाते हैं, स्यूडो फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, पी इज इक्वल टू एम ए के इक्वल। और कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर, एम जी नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है, जिसका एक कंपोनेंट आएगा इधर कितना, एम जी साइन 45। और इस डायरेक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे, एक तो आएगा आपका एम जी कोस 45, दूसरा आएगा आपका ए का एम ए साइन 45, एम ए साइन 45। और अगर हम एम ए को इधर ब्रेक करेंगे तो ये वाला कंपोनेंट आएगा एम ए कोस 45, क्योंकि ये जो आपका एंगल है वो भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और इधर आ जाएगा आपका एन, इधर एन आ गया तो इधर कितना फोर्स लग जाएगा आपका, फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन के इक्वल। तो अगर इसको स्लिप नहीं करना है तो इस प्लेन के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो क्या होने चाहिए, इक्विलिब्रियम में रहने चाहिए। यानी कि हमारा जो एम ए कोस 45 है, जो हमारा एम ए कोस 45 है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एम जी साइन 45 प्लस म्यू एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू एन, एन की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी एम जी कोस 45 प्लस एम ए साइन 45। तो ये कितना हो जाएगा, एम ए बाई रूट टू इज इक्वल टू एम जी बाई रूट टू प्लस म्यू एन की वैल्यू कितनी, एम जी बाई रूट टू प्लस एम ए बाई रूट टू। एम और रूट टू कट रहा है सभी से तो कट जाएगा, तो ए कितना बच जाएगा, जी प्लस म्यू जी प्लस ए। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको आगे सोल्व करेंगे, तो इसको आगे सोल्व करेंगे, हम लोगों को ए निकालना है, उसको उधर लेके चले जाते हैं, ठीक है। ए कितना आ जाएगा, 1 माइनस म्यू ओवर, इधर बच जाए आपका 1 प्लस म्यू इंटू में जी। तो ए निकालना है तो ए की वैल्यू आ गई हमारी 1 प्लस म्यू जी डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू। हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, 1 प्लस म्यू ओवर 1 माइनस म्यू इंटू जी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ब्लॉक स्टार्ट मूविंग अप अ फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, और ये 2 सेकेंड के बाद रुक जाता है, तो आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी। तो क्या बोल रहा है कि एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल दे रखा है आपको 60 डिग्री, ये क्या करता है, ऊपर की तरफ चलना मूव करता है, ऊपर की तरफ चलना शुरू करता है 20 मीटर पर सेकेंड से। आफ्टर टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड ये रुक जाता है, इसका मतलब इसके ऊपर रिटार्डेशन लग रहा होगा। सबसे पहले इसका एफबीटी देखते हैं और रिटार्डेशन कितना लग रहा है उसकी वैल्यू निकालते हैं। अगर ये एम है तो एम जी नीचे की तरफ लगेगा, तो इस डायरेक्शन में इसमें फोर्स आएगा कितना, इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगेगा एम जी साइन 45। अब जो ब्लॉक है ऊपर की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, इतना एफ आर इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, और एन कहाँ से निकलेगा, एम जी का एक कंपोनेंट आएगा इधर एम जी कोस, और ये एंगल हो जाएगा आपका 60 डिग्री, एम जी कोस 60 डिग्री, और इस साइड में आ जाएगा आपका एन। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी एम जी कोस 60 डिग्री। तो आपका जो रिटार्डेशन है वो कितना हो जाएगा, रिटार्डेशन की वैल्यू हमारी हो जाएगी, अगर मैं रिटार्डेशन को ए से लिखूँ तो वो हो जाएगा एम जी साइन 60, एम जी साइन 60 प्लस म्यू एम जी कोस 60 डिवाइडेड बाई एम,
कितना आ गया हमारे पास, ए की वैल्यू कितनी आ गई जी, साइन 60 होता है √3/2, तो √3/2 प्लस म्यू 260 होता है 1/2 इंटू में जी, इंटू में जी, तो हमारे पास आ गया ये रिटार्डेशन की वैल्यू। अच्छा अब थोड़ी काइनेमेटिक्स लगाते हैं, क्या बोल रहा है कि इतनी देर बाद रुक जाता है, इतनी देर बाद रुक जाता है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। और इनिशियल वेलोसिटी आपको कितनी दे रखी है, 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम आपको दे रखा है कितना, 2 सेकेंड। आपको निकालना रिटार्डेशन, तो लगा दें वी इज इक्वल टू यू माइनस 80, यही होता है रिटार्डेशन के केस में। तो यू इज वी इज इक्वल टू 20 माइनस ए की वैल्यू आपको दे रखी है √3 प्लस म्यू इंटू में Z/2 इंटू टी, टी की वैल्यू आपको दे रखी है 2, ये निकालना। तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये देखो 2 से 2 कट गया, √3 प्लस म्यू की वैल्यू हो जाएगी आपकी 20/Z, यानी कि 10 2 हो गया। म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, म्यू की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस का √3, √3 की वैल्यू 1.73। तो इसको सोल्व करेंगे तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.27, 0.27। कौन सा ऑप्शन दे रखा है 0.27, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो दे रखा है, ये थोड़ी देर पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसके सिमिलर सा है। कह रहा है कि हैंगिंग ब्लॉक ऑफ मास एम डैश, ये एम डैश है, आपको दिख नहीं रहा एम डैश, इसकी वैल्यू है एम डैश, प्रिवेंट द स्मॉलर ब्लॉक ऑफ मास एम फ्रॉम स्लिपिंग ओवर मूवेबल ट्राइंगुलर ब्लॉक ऑफ मास एम, यानी कि ये जो मास है जो लटका हुआ है, ये इसको इसको एक एक्सेलरेशन देता है, इस ये एक्सेलरेशन देने की वजह से जो ये आपका एम है, इसका जो स्लिपिंग है इस कैपिटल एम के ऊपर वो रुक जाती है। ठीक है, सारी सरफेस आपको दे रखी है फ्रिक्शनलेस और स्प्रिंग पुल्ली सभी आपको दे रखी है लाइट, यानी कि इसके मास को हम लोगों को कंसिडर नहीं कर रहा है। तो हमको पूछा है कि इस एम डैश की वैल्यू कितनी होनी चाहिए स्मॉल एम कैपिटल एम और थीटा की टर्म में। तो सबसे पहले तो इस पूरे सिस्टम का एक्सलरेशन निकालते हैं, पूरे सिस्टम का एक्सलरेशन कितना आएगा, पूरे सिस्टम पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है एम डैश जी, इतना लग रहा है एम डैश जी। तो अगर मैं एक्सलरेशन निकालना चाहूँ पूरे सिस्टम का, तो एक्सलरेशन कितना आ जाएगा एम डैश जी ओवर टोटल मास, टोटल मास कितना है एम डैश प्लस स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। तो ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन, ये सभी का एक्सेलरेशन है, इसका नीचे की डायरेक्शन में हो जाएगा और इन दोनों का इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अब बोल रहा है कि इस एक्सेलरेशन की वजह से, यानी कि इसको लटकाया है, इस जो एक्सेलरेशन दे रहा है, इन सब की वजह से ये भाई साहब जो है स्मॉल एम वाले इन छोटे वाले भाई साहब, बड़े वाले भाई साहब के ऊपर मूव नहीं करते हैं, यानी कि ये इसके रेस्पेक्ट में क्या है स्टेशनरी है। तो हम क्या करते हैं इसके ऊपर बैठ जाते हैं, आइए इसके ऊपर बैठ गए, फिर से कैसे फ्रेम में आ गए, नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गए। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में आते ही इनके ऊपर क्या लगेगा, स्यूडो फोर्स लगेगा, कितना एम ए के इक्वल, स्यूडो फोर्स लगेगा एम ए के इक्वल, और कोई भी इस बार फोर्स नहीं दे रखा है। तो ये इधर कितना आ जाएगा आपका एम ए कोस थीटा इसका कंपोनेंट, ठीक है, और इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, इतनी देर से करते आ रहे हैं, सीधा सीधा लिख सकते हैं एम जी साइन थीटा आ जाएगा, ये एम जी साइन थीटा आएगा, वो एम ए कोस थीटा आएगा। तो क्या इसको प्रिवेंट करने के लिए एम ए कोस थीटा शुड बी इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, फ्रिक्शन फोर्स क्यों नहीं आया, क्योंकि सारी सरफेस आपको फ्रिक्शन लेस दे रखी है, तो उसकी उसको निकालने का कोई मतलब ही नहीं है, एम से एम कट गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से हम लोगों को मिलेगा ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू पुट कर देते हैं कितनी आएगी, एम वन एम डैश जी ओवर एम डैश प्लस स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू जी साइन थीटा, जी से जी भी कट गया, जी से जी भी कट गया। अगर मैं इस साइन थीटा को इसके नीचे ले आता हूँ और इन सबको उधर ले जाता हूँ, इधर ही क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका एम डैश कोट थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, एम डैश प्लस स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, एम डैश को उधर ले जाऊंगा तो वो क्या आ जाएगा, एम डैश कॉमन आ जाएगा, एम डैश क्या बन जाएगा कोट थीटा माइनस वन, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपका एम स्मॉल एम और कैपिटल एम के बराबर। तो एम डैश की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम ओवर कोट थीटा माइनस वन। ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू कोट थीटा माइनस वन, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है 10 kg मास का, वो कनेक्टेड है, जिसका लोअर एंड कनेक्टेड है 4 मीटर फ्रॉम द सीलिंग, ऐसे 10 kg का, ये कितना दे रखा है आपको 4 मीटर। फिर क्या कहा कि इफ अ फोर्स एफ इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली एट मिड पॉइंट, यहां से हमने क्या किया एक एफ फोर्स लगाना शुरू किया, कितना एफ फोर्स लगाना शुरू किया। ये फोर्स लगाने की वजह से जो हमारा स्ट्रिंग है उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई, स्ट्रिंग की हालत कुछ ऐसी हो गई भैया जी, ये यहाँ से कितना एंगल बना लिया इसने 45 बना लिया, बाकी जो है 2 मीटर नीचे पड़ा है, ठीक है, ब्लॉक कितना दे रखा है 10 kg का दे रखा है, तो ये ऐसी हालत हो गई। देन कह रहा है कि जो एफ का मैग्नीट्यूड बताना है, यानी कि इस स्ट्रिंग की ऐसी हालत की है जिस फोर्स ने, उसका हम लोगों को क्या बताना है मैग्नीट्यूड बताना है। तो मैग्नीट्यूड बताना है तो क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात, अब इसने ऐसी हालत कर दी 45 एंगल बना लिया, इसके बाद इक्विलिब्रियम में आ चुकी होगी, तो टेंशन की वैल्यू मान लेते हैं, कि इधर टेंशन की वैल्यू है T1, तो इधर टेंशन की वैल्यू हो जाएगी T2 इसके अंदर। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम देखूं इस पॉइंट पे, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, अगर मैं इस T2 को ब्रेक कर दूं तो इधर कितना आएगा T2 साइन 45, और ऊपर की साइड में आ जाएगा आपका T2 cos 45, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, जो यहाँ से अगर T1 निकालना चाहें तो T1 सीधा का सीधा 100 न्यूटन के इक्वल है, T1 सीधा का सीधा 100 न्यूटन के इक्वल है, 100 न्यूटन आएगा, और आपका जो T2 cos 45 है, वो कितना है T1 के इक्वल है, ठीक है। तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी cos 45 1/√2, T1 100 दे रखा है तो यानी कि 100√2 आ जाएगी आपकी, 100√2 आ जाएगी। और जो आपको F दे रखा है, अगर हम यहाँ से देखेंगे हॉरिजॉन्टल में फोर्स, टोटल फोर्स, यानी कि F जो है वो आ जाएगा T2 साइन 45 के इक्वल। तो T2 कितना दे रखा है आपको, T2 100√2 निकाल लिया हम लोगों ने, और साइन 45 1/√2, यानी कि F की वैल्यू कितनी आ गई 100 न्यूटन, यानी कि 100 न्यूटन का फोर्स लगाया होगा हम लोगों ने, तब जाके इस बेचारी स्ट्रिंग की कंडीशन ऐसी हुई होगी। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 100 न्यूटन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यार दे रखा है आपको कि 3 ब्लॉक दे रखे हैं, लटका दिया उन्होंने, कह रहा है जैसे फिगर में दिया गया वैसे लटका दिया, फिर कह रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक, इसका मतलब इन सबका एक्सेलरेशन अगर आप कंस्टेंट मोशन आपको आता है तो आप सीधा बता सकते हो कि तीनों का एक्सेलरेशन है वो सेम ही आना है, तीनों का जो एक्सेलरेशन है वो सेम ही आना है, ठीक है। तो जो 500 ग्राम वाला जो ब्लॉक है उसका हम लोगों को एक्सेलरेशन निकालना है, तो सबसे पहले टेंशन मानना पड़ेगा, मान लेते हैं कि इसके अंदर टेंशन की वैल्यू T1 है, और इन दोनों के अंदर, इसके अंदर भी टेंशन की वैल्यू T1 ही हो जाएगी क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है वो सेम है, इसके अंदर मान लेते हैं कि टेंशन की वैल्यू आपकी कितनी है T2 है, ये हम लोगों ने मान लिया। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, FBT बनाते हैं, इसके ऊपर आपका फोर्स लगेगा 500 × g, यानी कि 500 × g में है 0.5, ये फोर्स लग जाएगा आपका 1 न्यूटन रिकॉर्ड, या 500 g पड़ा है दोस्तों, 500 g फोर्स लग जाएगा इसके ऊपर। तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा 50 × g, हम ग्राम को चेंज नहीं कर रहे, किलोग्राम में वो कट जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा जैसे कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में 100 × g, फिर इधर कितना फोर्स आ जाएगा आपका, फ्रिक्शन की वैल्यू दी नहीं है, कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, इधर आपका जाएगा mg cos 30 डिग्री, और इधर आपका फोर्स आ जाएगा इसकी वजह से mg sin 30 डिग्री, mg sin 30 डिग्री। तो अब ध्यान से सबको अलग अलग देखना पड़ेगा, तो अगर मैं इसको देखूं बड़े वाले ब्लॉक को, ठीक है, तो ये कहाँ जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा, तो इसका अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखूं तो क्या बनेगी, 500 g माइनस का T1, 500 g माइनस का T1 इज इक्वल्स टू ma, यानी कि 500 a, ये ग्राम में पढ़ा रहे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्वेशन नंबर 1, अगर मैं इस वाले को देखूं, ये कहाँ जा रहे हैं भाई साहब, ये जा रहे हैं T2 माइनस का 500 g इज इक्वल्स टू, सॉरी, T2 माइनस का 50 g इज इक्वल टू 50 a, इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं इसको। अब इसको देखते हैं, इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ये किधर जा रहा है, इधर जा रहा है ऊपर वाले डायरेक्शन में, यानी कि T1 माइनस का T2 माइनस का T1 माइनस T2 माइनस mg sin 30, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, और mg की वैल्यू दे रखी है 100, यानी कि 50 g इज इक्वल टू 100 a, इक्वेशन नंबर 3।
तो अब इनको हटाना पड़ेगा, T1 T2 अपने हट रहे हैं। तो अगर मैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को जोड़ दूं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को जोड़ दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को जोड़ने पर मेरे को मिलेगा T1, T2 से T2 कट जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 100g इज इक्वल्स टू 150a, इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब T1 को हटाना है तो T1 को हटाने के लिए मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को जोड़ देता हूँ, T1 हट जाएगा तो कितना बचेगा 500g माइनस का 100g यानी कि 400g इज इक्वल्स टू 500 150 यानी कि 650g 650a। ए की वैल्यू क्या आ गई, ये मैंने कहा था ना कट जाएगा, इनकी वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो 400 डिवाइडेड बाय 650g, इसको काटेंगे इसको आगे सोल्व करेंगे तो अपने को मिलेगा ये 15 की टेबल से जा रहा है, 5 की टेबल से जा रहा है, ऊपर वाला 8 टाइम, नीचे वाला आपका 13 इंटू जी, तो आंसर हमारा आ गया इसका एक्सेलरेशन की वैल्यू पूरे सिस्टम की 8/13g, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब एक ब्लॉक को स्मूथ इंक्लाइन प्लेन जिसका इंक्लिनेशन एंगल आपको दे रखा है थीटा, तो अगर वो स्मूथ है यानी कि म्यू की वैल्यू जब जीरो है तो उसको छोड़ा जाता है, तब वो जब बॉटम पे पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी होती है v1, और जब उसको रफ इंक्लाइन प्लेन और जिसका एंगल दे रखा है आपको सेम उस पे इसको छोड़ा जाता है, तो जब बॉटम पे पहुंचता है उसकी वैल्यू है, वेलोसिटी की वैल्यू होती है v/n, जहाँ पे n एक से बड़ा है, तो आपको क्या करना है कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। तो पहले क्या हुआ, ये एंगल दे रखा है आपको थीटा, यहाँ से छोड़ा इसको, जब भाई साहब यहाँ पे पहुंचे इसकी वेलोसिटी हो गई v, लेकिन दूसरे केस में जैसे ही अभी यहाँ पे म्यू की वैल्यू है जीरो, दूसरे केस में क्या किया, इसका एंगल तो दे रखा है सेम, जब यहाँ से छोड़ा तो जब यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे जो v की वैल्यू आई वो आई v/n, जो v की वैल्यू आई वो आई v/n आई। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे एक चीज दे रही है कि फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू कम आएगी, फ्रिक्शन की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, फ्रिक्शन यहाँ पे जीरो नहीं होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी ही होगी। मान लेते हैं कि फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू है, यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, जब नीचे आ रहा है तब इसका मास एम है, इतना कर लिया, बार बार एफिटी बनाने की जरूरत नहीं है, तो इतना फोर्स लगेगा सिर्फ और सिर्फ mg sin थीटा, सिर्फ और सिर्फ mg sin थीटा फोर्स लग गया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई g sin थीटा, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई g sin थीटा। तो वी कैसे निकालेंगे, जब इसको यहाँ से छोड़ा गया तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी v हो गई, तो v इक्वल्स टू u प्लस कौन सी इक्वेशन लगाएंगे फर्स्ट, नहीं क्योंकि टाइम अलग अलग होगा, लेकिन अगर आप दोनों केस में देखो तो दोनों सेम जगह से छोड़े गए हैं, तो इनका अगर मैं डिस्प्लेसमेंट मानूं तो मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इसका भी s इधर है, इसका भी s इधर है, तो इनका क्या डिस्प्लेसमेंट सेम है दोनों केस में, तो मैं इक्वेशन यूज कर सकता हूँ थर्ड इक्वेशन, क्या होती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो इस केस में क्या हो जाएगा, v की वैल्यू आपको v स्क्वायर दे रखी है, u की वैल्यू जीरो हो गई, 2a की वैल्यू हो गई आपकी g sin थीटा इंटू एस। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इस केस में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है आपका mg sin थीटा, दूसरा पीछे की डायरेक्शन में लगेगा कितना म्यू एन, एन की वैल्यू आएगी आपकी mg cos थीटा, तो कितना आएगा म्यू mg cos थीटा पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो इस बार जो आपका एक्सेलरेशन है वो कितना आ गया g sin थीटा माइनस का μ cos थीटा, एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो गई, इस वजह से जो हमारा जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू भी कम हो गई। तो यहाँ पे अगर मैं मोशन की तीसरी इक्वेशन लगाऊं तो आपको क्या मिलेगा वी स्क्वायर, यानी कि वी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे v/n² इज इक्वल्स टू यू, तो इसमें भी जीरो है, 2a की वैल्यू आ गई आपकी g sin थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा इंटू एस, इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारी। यहाँ से क्या करते हैं, जो वी स्क्वायर है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 2g sin थीटा इंटू एस ओवर एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2g कॉमन आ गया, s भी कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा sin थीटा माइनस का μ cos थीटा। देखो 2gs से 2gs कट गया, 2gs कट गया, हमको निकालना है म्यू की वैल्यू, तो म्यू की वैल्यू कितनी आई, म्यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी, मैं पूरे के अंदर अगर मैं कोस का डिवाइड मार दूं, पूरे के अंदर मैं अगर कोस का डिवाइड मार दूं तो कितना बचेगा, देखो
म्यू को उसका डिवाइड मार दिया गया ये, और इधर को उसका डिवाइड किया तो ये बचेगा टेन थीटा माइनस उधर से आएगा तो भी कितना बचेगा टेन थीटा, साथ में एन स्क्वायर और आएगा, टेन थीटा एन स्क्वायर और आएगा तो म्यू कितना बन गया 1/n² टेन थीटा। ऑप्शन दे रखा है ऐसा कोई? ऑप्शन नंबर दे रखा है आपको 1 - 1/n² टेन थीटा, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपको, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि टू मास कैपिटल एम एंड स्मॉल एम आर अटैच, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया, इनको ऐसे जोड़ दिया, फिर कह रहा है कि जो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो जो टेन थीटा है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऑप्शन से पता लग रहा है तो इस पे कितना फोर्स लग जाएगा नीचे की डायरेक्शन में, इस पे कितना फोर्स लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा एम जी, ऊपर मान लेते हैं टेंशन लग रहा है T1 इधर, ठीक है अब यहाँ पे सिमेट्री है तो दोनों में टेंशन बराबर आएगा T2 T2, इधर भी आपका टेंशन आ जाएगा T2, और इसके अंदर टेंशन मान लेते हैं आपका T3, इसके अंदर टेंशन मान लिया T3, और इसका फोर्स आएगा नीचे की डायरेक्शन में कितना कैपिटल एम जी, कैपिटल एम इंटू जी, ठीक है तो अगर ये T1 निकालना चाहूँ तो T1 सीधा का सीधा कितने आ जाएगा एम जी, T1 की वैल्यू आ गई आपकी एम जी, और T2 कितने आ जाएंगे, अगर मैं T2 को यहाँ से ब्रेक करूंगा तो दो कंपोनेंट आएंगे T2 के, T2 दो कंपोनेंट आएंगे यहाँ पे, अगर इस पॉइंट पे मैं देखूँ इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम लगाऊं तो यहाँ पे यहाँ से कितना आएगा T2 cos 45, यानी कि 2 टाइम T2 cos 45 इज इक्वल टू T1, T2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी T1/√2, यानी कि Mg/√2, ये आ गई आपकी T2 की वैल्यू। इसको इक्वेशन वन देते हैं, इसको इक्वेशन टू देते हैं, अब इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम देखते हैं, इस पॉइंट पे आपका जो ऊपर की डायरेक्शन में है उसमें T3 आ जाएगा कितना T3 sin 6 sin थीटा, और नीचे Mg है और इस डायरेक्शन में आपका आ जाएगा T3 cos थीटा, ठीक है और नीचे की डायरेक्शन में एक फोर्स और आ जाएगा कौन सा, ये 45 तो वो भी 45 T2 cos 45, T2 cos 45, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा आपका T2 sin 45, तो ये इधर समझ नहीं आ रहा, मैं इधर दोबारा बना रहा हूँ इसको, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं एम वाले पॉइंट पे, एक लग रहा है आपका एम जी नीचे की तरफ, एक लग रहा है आपका T2 cos 45, T2 cos 45 ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है आपका T3 sin थीटा, T3 sin थीटा इस डायरेक्शन में लग रहा है आपका T3 cos थीटा, और इस डायरेक्शन में लग रहा है आपका फोर्स T2 sin 45, T2 sin 45 डिग्री, ठीक है अब यहाँ से T3 sin थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T3 sin थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी T2 cos 45, यानी कि T2 दे रखा है आपको स्मॉल एम जी इंटू कोस 45, यानी कि स्मॉल एम जी √2/√2 प्लस कैपिटल एम जी। क्वेश्चन नंबर 3 दे देता हूँ मैं इसको, अब हमारा अगर मैं इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करूँ तो क्या मिलेगा T3 cos 40 cos थीटा इज इक्वल टू T2 sin 45, यानी कि T2 sin 45 यानी कि Mg/2, इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूँ। अब अपने को निकालना है टेन थीटा, तो मैं इक्वेशन 3 में मैं इक्वेशन 4 का क्या कर देता हूँ डिवाइड कर देता हूँ, इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 का डिवाइड कर देता हूँ, इधर क्या बन जाएगा टेन थीटा बन जाएगा, और उधर आपका बन जाएगा एम जी से जी कट जाएगा M/2 प्लस कैपिटल M/2, तो M/2 से M/2 कट जाएगा, ये कितना बन जाएगा 2 / M/m, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 + 2 M/m, टेन थीटा विल बी 1 + 2 M/m, ऑप्शन ए, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। सीधा साधा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में फोर्स को बराबर करना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो ये एंगल है थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये पूरा का पूरा सिस्टम नीचे की तरफ चला जाए, नीचे की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में 2 Mg sin थीटा, इस पे कितना फोर्स लग रहा है Mg sin थीटा। अगर मैं प्लेन के ऊपर की डायरेक्शन में बात करूँ तो ऊपर के डायरेक्शन में यहाँ तो फ्रिक्शन की वैल्यू 0 है, कोई फोर्स लगेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे एन की वैल्यू आएगी Mg cos थीटा, एन की वैल्यू, जिसकी वजह से पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा म्यू एन, यानी कि म्यू पी,
म्यू बी एम जी कोस थीटा, इतना फोर्स लगेगा। अगर अब इस सिस्टम को स्लाइड करना है, अगर इस सिस्टम को स्लाइड करना है तो डाउनवर्ड फोर्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू अपवर्ड फोर्स। तो डाउनवर्ड फोर्स कितने कितने हैं, 3 mg sin थीटा। 3 mg sin थीटा बड़ा या बराबर होना चाहिए म्यू बी एम जी कोस थीटा से। म्यू बी एम जी कोस थीटा से। तो एम से एम कट गया, एम से एम कट गया, तो म्यू बी की वैल्यू आपको दे रखी है, म्यू बी की वैल्यू दे रखी है। आपको क्या निकालना है, टैन थीटा निकालना है। तो मैं इसको इसके नीचे ले जाता हूँ, एम जी से एम जी कट गया था, ये बन जाएगा आपका टेन थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू बी बाई थ्री, यानी कि म्यू बी दे रखा आपको 0.5/3, यानी कि 1/6। टेन थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/6। तो टेन थीटा की वैल्यू मिनिमम 1/6 होनी चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू पूछी हम लोगों को, मिनिमम वैल्यू टेन थीटा की 1/6 होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी अप एन इंक्लाइन प्लेन इज 3 टाइम्स मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग। यानी कि कोई इंक्लाइन प्लेन है, कोई इंक्लाइन प्लेन है, एंगल मान लेते हैं थीटा। तो अगर आपको इस पे कोई बॉडी पड़ी है, नाम देता हूं मैं ए, तो अगर इसको आपको स्लाइड होने से बचाना है, आपको अगर इसको स्लाइड होने से बचाना है, और एक दूसरी कंडीशन आपको गिवन है सेम इंक्लाइन प्लेन पे, इस पे क्या करना है आपको, इसको ऊपर की तरफ मूव कराना है। तो ये F2 है, ये F1 है। तो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि मूव कराने के लिए जो फोर्स है वो रोकने के फोर्स का 3 टाइम है, यानी कि जो F2 है वो 3 टाइम है F1 के, F2 है वो 3 टाइम है F1 के। तो अगर ये F2 इसको मूव करा रहा होगा तो इसका फोर्स, अगर इसका मास m मानो, तो mg sin थीटा तो इधर लगेगा ही लगेगा दोनों साइड में, mg sin थीटा तो लगेगा ही नहीं लगेगा। लेकिन बात आती है कि फ्रिक्शन किस साइड में लगेगा। तो अगर ये इसको मूव करा रहा है तो फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। तो ये ऊपर की तरफ मूव करा रहा है तो रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन आपका इस डायरेक्शन में लगेगा, कितना, μmg cos थीटा के इक्वल। और ये क्या कर रहा है, ये इसको प्रिवेंट कर रहा है, F1 जो है इसके स्लिपिंग को प्रिवेंट कर रहा है, यानी कि जो बॉडी है वो नीचे की तरफ जाना चाह रही है वो इसको रोक रहा है। तो फ्रिक्शन भी क्या करता है कि रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, वो भी इसको प्रिवेंट करेगा। तो इस कंडीशन में जो आपका फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो इस तरह इसमें लग रहा होगा, कितना, μmg cos थीटा के इक्वल। यानी कि पहली कंडीशन में क्या होगा, F1 + μmg cos थीटा शुड बी इज इक्वल टू mg sin थीटा। दूसरी कंडीशन में होगा आपका F2 = mg sin थीटा + μmg cos थीटा। ये दोनों फर्क है दोनों केस में, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं यहाँ से F1 की वैल्यू निकालू तो F1 की वैल्यू आएगी mg sin थीटा माइनस का μmg cos थीटा। क्वेश्चन नंबर 3, अगर मैं क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से इसको रख दूं, F1 और F2 की वैल्यू पुट कर दूं, क्या आएगा, F2 यानी कि हमारा mg sin थीटा + μmg cos थीटा शुड बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स, 3 टाइम्स किसके, mg sin थीटा - μmg cos थीटा। तो हम लोगों को क्या करना है, थीटा निकालना है क्वेश्चन से, तो थीटा निकालना है, ये कंडीशन हमारे सामने बन गई। तो ये 3 टाइम्स mg sin थीटा माइनस हो जाएगा इधर आके, कितना बन जाएगा, 2 mg sin थीटा इज इक्वल टू, ये उधर 1 है, ये कितना हो जाएगा उधर जाके, 4 टाइम म्यू, म्यू की वैल्यू दे रखी है आपको 2/√3 mg cos थीटा, mg cos थीटा दे रखा है आपको। तो देखो mg से mg कट गया, ये 2 टाइम्स कट गया, इससे ये 2 इससे कट गया, और कोस उसके नीचे जाएगा तो बन जाएगा टेन थीटा। तो टेन थीटा आपका बन गया 1/√3। टेन थीटा 1/√3 कब होता है, जब आपका थीटा होता है 30 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू आ गई 30, यानी कि जो ये थीटा है ये कितना होगा, एंगल 30 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन और काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो सिस्टम है आपको दिया गया इस तरीके से, M1 M2 की वैल्यू दे दी आपको, M1 का मास दे दिया आपको 3 kg और M2 का दे दिया
4 kg, यानी कि इसके नीचे फोर्स लगेगा 30 न्यूटन, इस पे फोर्स लगेगा 40 न्यूटन के इक्वल। ठीक है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है आपको, मास m3 10 kg, इसकी वैल्यू दे दी आपको 10 kg। कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे दे दिया म्यू इज़ इक्वल टू 0.6। तो आपको पूछा है कि फ्रिक्शन फोर्स किस प्लेस से लग रहा है, तो बच्चे क्या करते हैं फटाफट कि फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एन इज इक्वल टू म्यू एम जी 0.6 और इसका 100 आ जाएगा, सीधा करके 60 आंसर लगा देते हैं ऑप्शन डी। लेकिन जो ऑप्शन डी है आपका सही आंसर नहीं है, गलत आंसर है, क्योंकि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये डिमांड के हिसाब से लगता है, जितना चाहिए होता है सिर्फ उतना ही लगता है, उससे ज्यादा नहीं लगता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कितना फ्रिक्शन फोर्स ये इसको स्लिपिंग को रोकने के लिए, तो अगर ये 40 है तो थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम रहेगा, ये भी इधर फोर्स कितना लग जाएगा 40 न्यूटन, इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लग जाएगा 30 न्यूटन। तो अगर मैं इस फोर्स का रिजल्टेंट निकालना चाहूँ तो रिजल्टेंट फोर्स इसके ऊपर कितना लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स इसके ऊपर लग रहा है 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो ये कितना आता है, ये 50 न्यूटन आता है, यानी कि इसको तो 50 न्यूटन ही चाहिए इसको रोकने के लिए, इसको तो 50 न्यूटन ही चाहिए। तो हमारा जो μs है वो लग सकता है 0 से लेकर के उसकी मैक्सिमम वैल्यू तक। तो जो μs है यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स है, μs नहीं fs, जो फ्रिक्शन फोर्स है fs, वो लग सकता है 0 से लेकर के उसकी मैक्सिमम वैल्यू तक, 0 से लेकर के 60 न्यूटन तक वो कुछ भी लग सकता है, वो क्वेश्चन की डिमांड पर डिपेंड करता है कि कितना लगना चाहिए। तो अभी क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि उसको 50 न्यूटन फोर्स चाहिए प्रिवेंट करने के लिए, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग जाएगा इस टाइम पे 50 न्यूटन, 60 न्यूटन पूरा नहीं लगेगा, 50 न्यूटन लगेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg स्लाइड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन व्हिच मेक एन एंगल 30 डिग्री, ये दे दिया इंक्लाइन एंगल बना रहा है 30 डिग्री, 2 kg का ब्लॉक इसके ऊपर पड़ा हुआ है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक म्यू दे दिया आपको √3/2, द फोर्स अलोंग द प्लेन दैट नीड टू बी अप्लाइड टू ब्लॉक सो दैट इट मूव अप विदाउट एनी एक्सेलरेशन, तो इसको अप मूव कराना है हम लोगों को विदाउट एनी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो उस केस में कह रहा है कितना फोर्स चाहिएगा, तो मान लेते हैं कि एफ फोर्स चाहिएगा। अब एफ फोर्स चाहिएगा तो इधर की डायरेक्शन में हमेशा एक फोर्स लगता है, कितना mg sin 30 लगेगा। ठीक है, अब ये ऊपर मूव करेगा तो फ्रिक्शन भैया हमेशा रिलेटिव मोशन का क्या करते हैं, अपोज करते हैं, फ्रिक्शन लग जाएगा इधर कितना μn, और n की वैल्यू mg cos 30, μmg cos 30। अब इसको ऊपर मूव कराना है बिना एक्सेलरेशन के, यानी कि हमारा जो एफ है उसकी वैल्यू होनी चाहिए mg sin 30 प्लस μmg cos 30। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये ब्लॉक जो है वो बिना एक्सेलरेशन के ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो एफ कितना होना चाहिए 2 × 10 × 1/2 प्लस μ की वैल्यू दे रखी है √3/2 × 2 × 10 × √3/2, एफ ये बन जाएगा आपका 10 प्लस ये बन जाएगा आपका 20 × 3/4 यानी कि 15, तो एफ की वैल्यू आ गई 10 प्लस 15, 25 न्यूटन। तो 25 न्यूटन का फोर्स चाहिएगा आपको इसको बिना किसी एक्सेलरेशन के ऊपर की डायरेक्शन मूव कराने के लिए, तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो आज के सेशन में बस इतना ही, इसके जितने भी क्वेश्चन बच गए वो पार्ट टू में अपलोड किए जाएंगे। अगर इस सेशन के रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय।